नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे कि माँ धूमावती महाविद्या की पूजा से आपको क्या लाभ हो सकता है। माँ धूमावती महाविद्या का पूजन नवरात्र के पावन अवसर पर आप कैसे करें और उनकी पूजा से क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा, जिन लोगों को बार बार नज़र लग जाती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमें पंडित जी नज़र लग गई है, तो बुरी नज़र से रक्षा के लिए आप माँ धूमावती का पूजन कर सकते हैं, बुरी नज़र से रक्षा हो जाएगी। दूसरा, जादू टोना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने टोना कर दिया है, जादू कर दिया है, तो यदि इस तरह का भय आपको रहता है तो आप माँ धूमावती का पूजन कर सकते हैं। तो जादू टोना, बुरी नज़र, इस तरह का यदि कोई प्रभाव आपको लगता है कि आपके ऊपर है तो माँ धूमावती का पूजन करिए। धूमावती महाविद्या की पूजा उपासना करने से यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किसी भी तरह का टोना टोटका किया है तो माँ धूमावती की कृपा से वो सब दूर हो जाते हैं और अभय की प्राप्ति होती है, मतलब हर तरह का डर जो है दूर हो जाता है। तो डर से मुक्ति के लिए आप माँ धूमावती महाविद्या का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि रोग परेशान कर रहे हैं तो उससे रक्षा के लिए भी आप माँ धूमावती का पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है, आँखें कमज़ोर हो गई हैं, खास करके आँखों में यदि तेज नहीं है, तो अच्छी ज्योति प्राप्त करने के लिए भी आप माँ धूमावती महाविद्या का पूजन कर सकते हैं। कैसे करना है पूजा, बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं, आप कर सकते हैं और एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का जाप जरूर करिएगा, उससे आपको विशेष रूप से फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने पूजा घर में माँ धूमावती महाविद्या का चित्र स्थापित करिए इस नवरात्र में, और विधि विधान से जैसे हर साल आप पूजन करते आए हैं उसी तरीके से पूजा करना है। क्या करना है, पूजा स्थान को सबसे पहले अच्छे से साफ करना है, प्रतिदिन स्नान ध्यान करके जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर में पूरे पूजा घर को अच्छे से साफ करिए, फिर माँ धूमावती महाविद्या का पूजन शुरू करिए। दीपक जलाइए, दीपक जलाने के बाद माँ को गंगा जल से स्नान कराइए। एक बर्तन में गंगा जल ले लीजिए किसी कटोरी में और कुश से माँ को स्नान कराइए। इसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित करिए, पुष्प अर्पित करिए, फूलों की माला चढ़ाइए और जो आपके पास प्रसाद है आप पेठा चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, तो जो ऋतुफल आपके पास हो वो ऋतुफल चढ़ा करके फिर इसके बाद जो आपको मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र का जाप करिए। जाप खत्म होने के बाद माँ को प्रणाम करिए और उनसे जो भी मनोकामना मांगना चाहते हैं वो मनोकामना मांगिए। तो इस तरीके से आप माँ धूमावती का पूजन बहुत ही सरल विधि द्वारा कर सकते हैं। मंत्र नोट करिए कि माँ धूमावती को प्रसन्न करने के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना है। याद रखिएगा, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना है इस मंत्र का जाप करने के लिए। मंत्र है, ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा, ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार आपको 9 दिनों तक जाप करना है और इसके बाद 9वें दिन कन्या पूजन करना है, कन्याओं को प्रसाद बना करके और प्रसाद अर्पित करना है, साथ ही कुछ दक्षिणा देना है। तो कन्या पूजन अवश्य करिएगा और जो भी आप मांगना चाहते हैं माँ धूमावती से मांगेंगे तो माँ की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिएगा, बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा ताकि आपकी कुंडली बना करके सवालों के जवाब दिए जाएं। और आप लाइव कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं, लाइव कार्यक्रम में जुड़ करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए हमारा लाइव कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे होता है, वहाँ आप लाइव में जुड़िए और डायरेक्ट अपने सवालों के जवाब जानिए। तो एस्ट्रो तक में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।